हेलो मेरे एनिमी की पब्लिक, आई होप तुम लोग बढ़िया होगे। तो गुरु लोग आज लेके आया हूँ न्यूज बहुत ही भारी वाली, जहाँ पे तुमको इतने ढासो न्यूज बताऊंगा ना, इसको सुनकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। और खास करके ड्रैगन बॉल फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूँ, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। तो गुरु लोग इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ काफी ज्यादा कमाल की न्यूज जो की है ड्रैगन बॉल से रिलेटेड। मैंने दो तीन बार बोला ना शायद रिलेटेड भी। तो गुरु लोग इसमें तुमको मैं बताऊंगा ड्रैगन बॉल का जो आने वाला सीरीज है उसका नाम क्या है, इसके अलावा उसमें कितने एपिसोड होने वाले हैं, इवन ये भी बताऊंगा उनकी लेंथ कितनी होगी। और तुमको ये बात तो पता होगी न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में कोई तो हमें दिखने वाला है, अब वो कौन होगा उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। और साथ ही साथ तुमको ये भी बताऊंगा कि इस सीरीज को एक्चुअली में प्लॉट क्या होने वाला है, स्टोरी क्या होने वाली है और कौन कौन से कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो गुरु लोग तुम सभी ज्यादा एक्साइटेड रहोगे मुझे पता है, और हाँ गुरु लोग मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं कि मेरा चैनल ही उस ड्रैगन बॉल सीरीज की वजह से चल ही रहा है, खास करके उसके वजह से। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, ताकि ऐसे भी और न्यूज में कवर कर सकूं ज्यादा से ज्यादा तुम सभी के लिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज का एक्चुअल में नाम क्या होने वाला है। तो गुरु लोग तुमको बता दूं इस सीरीज का नाम होने वाला है ड्रैगन बॉल मैजिक, और ये डायरेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा भाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इसे वेब एनिमे भी कहा जा रहा है। अब वेब एनिमे एक्चुअली में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा, क्रंची रोल पे दिखाया जा रहा है, इसका इनाम बाहर निकल के आ रहा है। और हाँ गुरु लोग तुम लोग को ध्यान में होगा, तुमको पता ही होगा कि पहले कोई भी एनिमे हमें पहले टीवी पे दिखाया जाता था, ज्यादा करके ड्रैगन बॉल को पहले टीवी पे देखते थे उसके बाद किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देखते थे, बट इसके केस में ना हमें डायरेक्ट ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में क्रंची रोल पे देखने के लिए मिलेगा। और अब बात करूं अगर इसकी स्टोरी की तो काफी ज्यादा यूनिक है, उसको लास्ट में बताऊंगा। अब तुमको ये बताया था एक्चुअली में इसकी जो लेंथ होने वाली है वो 20 से 18 20 के आसपास की मिनट की होने वाली है, जो कि नॉर्मल एनिमे की होती है, सुपर ड्रैगन बॉल की जैसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि तुमको पता होगा उसकी जो लेंथ हुई थी वो 8 से 10 मिनट की थी इंक्लूडिंग उसका इंट्रो, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था इंट्रो, क्योंकि भाई लोग 10 मिनट के वीडियो में एक्चुअल में उसमें 2 से 3 मिनट का इंट्रो और एंडिंग दिखाए जाते थे, तो स्टोरी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी, कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता था, लेकिन भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता था देखने में, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फाइट्स थी, ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा यूनिक थी। मैं शायद भटक रहा हूँ अपने रास्ते से। हाँ अब आता हूँ एक्चुअल में इससे कितने एपिसोड आते हैं। तो गुरु लोग इसके एपिसोड हमें देखने के लिए मिलेंगे टोटल 14 से 15। हाँ गुरु लोग 14 से 15 ही एपिसोड हमें देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है। अब मैं तुम्हें स्टोरी की बात बताता हूँ इसकी। इसकी स्टोरी लगभग काफी हद तक मिलेगी तुमको जीटी से देखने के लिए, जैसे कि तुमको पता होगा जीटी में किस तरीके से जो अपना गोकू होता है वो एक्चुअल में छोटा हो जाता है डार्क ड्रैगन बॉल की वजह से, जिसकी वजह से उसको खुद की बॉडी पाने के लिए वो डार्क ड्रैगन बॉल को पूरे यूनिवर्स में ढूंढना पड़ता है, और साथ ही साथ फिर वो अपनी बॉडी को कैप्चर कर पाएगा। उसी तरीके से इस सीरीज की भी स्टोरी होगी, उसी वजह से यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलेगा, बट काफी चेंजेस के साथ में, क्योंकि इसमें तुमको देखने के लिए मिलेंगे अकेरा टोरियामा खुद। अब तुम लोगों को पता ही होगा जीटी में अकेरा टोरियामा अपना हाथ के अपना नाम भी नहीं दिए थे वहाँ पे, तो तुम लोग सोच सकते हो इसमें खुद वो होने वाले हैं। और हाँ तुमको ये भी बता दूं कि न्यूयॉर्क कॉमिक कॉर में कोई पर्सन दिखने वाला है वो अपने अकेरा टोरियामा ही होंगे ड्रैगन बॉल की तरफ से, जहां तक मेरा मानना है, ऐसा जहां तक मैंने सुना भी है। अब कौन दिखे कौन नहीं ये हम देखते हैं उस टाइम पे, 12 अक्टूबर को तो हमें देखने के लिए मिल ही जाएगा ये न्यूज, तुमको पता है ना 12 अक्टूबर वाली, मुझे बताने की जरूरत नहीं ना। तो ठीक है, तो गुरु लोग इसमें स्टोरी ऐसी रही कि जो अपना गोकू होता है वो छोटा तो हो जाता है, बट इनके साथ में एक्चुअल में हमें सुप्रीम काय भी देखने के लिए मिलेंगे। हाँ गुरु लोग सुप्रीम काय भी छोटे हो जाएंगे किसी तरीके से, तुम लोग ने देखा होगा तो अगर जीटी तुमको याद होगी तो तुमको काफी ज्यादा पसंद आएगी ये स्टोरी। सुप्रीम काय भी छोटे हो जाएंगे, गोकू भी अपना छोटा हो जाएगा, और इसमें मैं भी अगर मैं तुमसे पूछता कि कौन कौन कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे तो तुम लोग ऑब्वियसली वेजिटा, पिकलो, गोहान, इन तीनों में से किसी का नाम तो जरूर लेते थे, खास करके वेजिटा का नाम तो निकल गया था तुम्हारे मुंह से, बट एक्चुअली में तुमको जैसे कि मैंने बताया इसमें गोकू और सुप्रीम काय की स्टोरी दिखाई जाएगी, सुप्रीम काय की स्टोरी दिखाई जाएगी, तो भाई काफी ज्यादा यूनिक बना देगी इसकी स्टोरी को। देखो अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ये ड्रैगन बॉल से कनेक्टेड होने वाला है, मतलब ड्रैगन बॉल सुपर से कनेक्टेड होने वाला है कि भाई ड्रैगन बॉल जीटी को ही कैनन किया जाएगा, अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं पता मुझे ये कैनन होने वाला है कि नॉन कैनन, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा अलग ही दिखाई जाने वाली है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। और गुरु लोग भाई स्टोरी में जैसे कि मैंने बताया है अदर डायमेंशन में होने वाला है या अदर पैरेलल यूनिवर्स में इसकी स्टोरी चलेगी, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। अब भाई लोग ये भाई जितना भी मैंने सुना है मुझे जो न्यूज़ पता चली काफ़ी हद तक मैंने विक्सर की वीडियो देखी इसलिए मुझे पता है, और साथ ही साथ मैंने गूगल पे भी सर्च किया तभी मुझे पता चला है। इसके पहले मैं वीडियो बना सकता था जब विक्सर ने बनाया था, बट मुझे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा था क्योंकि भाई लीक ही निकल के आ रही थी, ऐसा कुछ पता ही चल रहा था थोड़ा बहुत, बस अफवाह मैंने सुनी थी। तो बट आज सुबह मैंने उठा था भाई देख रहा हूँ काफ़ी हद तक ऐसी जो पॉसिबिलिटी है ये सच है, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही क्यों नहीं दी जाए। स्टोरी मुझे जैसी थी मैंने बता दी तुमको, अब जहाँ मैंने देखा जहाँ से मैंने न्यूज़ सुना मैंने वो भी तुमको बता दिया।
एक और न्यूज मुझे सुनने में आई है जो शायद किसी ने नहीं सुनी होगी कि भाई जब से वन पीस का लाइव एडेप्टेशन हुआ है ना, एक्चुअली में वो ड्रैगन बॉल को भी लेके लाइव एडेप्टेशन की सीरीज या मूवी बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा मैंने सुना है। और वो मूवी होगी ब्रॉली के ऊपर, जो कि मैंने सुन के मेरे होश उड़ गए। सीरियसली ब्रॉली का मूवी आएगी अभी लाइव एडेप्टेशन में, अभी क्या ही बोलूं मैं इस पर। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, अब भाई अफवाह तो अफवाह होती है, बट अगर ये अफवाह सच हुई ना भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा मुझे तो, खास करके क्योंकि तुमको पता होगा ब्रॉली पहले नॉन कैनन था, फिर अकेला टोरिया मैंने जिस तरीके से स्टोरी को भाई लिखा उसको ड्रैगन बॉल सुपर में कैनन भी बना दिया, हमने देखा है और हमने लास्ट टाइम में देखा था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में उसको किस तरीके से कैनन बनाया गया। वैसे तो इसकी कोई अभी तक सीरीज से कोई भी नाता कुछ भी नहीं दिखाया गया है, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो जाए। बट मैं अगर चाहूँ पर्सनली बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि लाइव एडेप्टेशन आए ड्रैगन बॉल के ऊपर, क्योंकि जो लास्ट एडेप्टेशन आया था ना उसका बहुत ही ज़्यादा वाहियात था, इतना ज़्यादा बेकार क्या ही बोलूँ उसको। बट अभी जिस तरीके से चल रहा है भाई वन पीस ने तो बवाल मचा के रखा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई इस पर लाइव एडेप्टेशन आए। अब इस पर तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो बस मुझे एक और न्यूज़ मिली है बहुत ही बेस्ट वाली, अकेला टोरियामा का जो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे मैंने देखा, उसमें जो अपना 12 अक्टूबर का जो टाइमिंग था एक्चुअली में उसे 13 अक्टूबर कर दिया गया फ्राइडे को, जो कि अपना लोकेशन एम्पायर स्टेज दिखा रहा है जापान का ही। अब आई डोंट नो मुझे क्या नहीं, मुझे एक्चुअली में थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बट तुम यहाँ पर देख सकते हो जिसकी मैं तुमको दिखा रहा हूँ। अब तुम मुझे बताओ क्या सीन है क्या नहीं। और हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर ज़ेनोवर्स 2 से भी रिलेटेड काफी सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी, और उसमें एक बताया जा रहा है कि एक मिस्टीरियस वीडियो भी कुछ दिखाया जाएगा हमें। अब वो मिस्टीरियस वीडियो किस तरीके का होगा क्या होगा मैं तुम्हें तो बताऊंगा ही उसके बारे में, बट तुमने वो जाके देखा है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग के मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं ड्रैगन बॉल को लेके। मुझे तो ऐसा लग रहा है अपना ड्रैगन बॉल सुपर है, मतलब 2024 ड्रैगन बॉल का ही होने वाला है ऐसा मुझे फील हो रहा है। और न्यूज़ चाहिए रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।